पीने के लिए चाहिए। गर्मी का सीजन है, लू भी ना लगे और ठंडा ठंडा कूल एहसास हो, उसके लिए हम बना रहे हैं आज कैरी का पना, यानी कि मैं बना रही हूँ कैरी का पना। तो कैरी की अभी बहुत मौसम है और कैरी अच्छी आ रही है, तो मैंने 3 कैरी लेके रखी है और इसका मैं बनाऊंगी पन्ना। तो बहुत ही अच्छा लगता है, खट्टा मीठा बना सकते हैं, खाली मीठे फ्लेवर का या जैसे भी हो। अभी मैं आपको बताऊंगी 2 तरह के फ्लेवर का बनाऊंगी मैं। तो चलिए, पहले इस पन्ना बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि पहले जो हमने ये कैरी ली है इसको हम छिलके के साथ ही ऐसे ही धो लिया मैंने, और इसको कुकर में पानी डाल के इसको बॉइल कर लेंगे। तो चलिए फिर पहले इसको उबाल लेते हैं। तो कुकर में कैरी डालने के बाद इसमें डाल देंगे हम पानी, इसको ढक्कन लगा देते हैं और इसको हम 2-3 सीटी लगा के थोड़ा सा कैरी हमारी गल जाए उस तक इसको हम पकाएंगे। तो इसको हम ढक्कन लगा के और गैस को ऑन कर देती हूँ मैं। तो यहाँ पे हमारी कैरी उबल चुकी है, तो 4 सीटी लगा दी थी मैंने। तो आप देख सकते हैं कुकर हमारा ठंडा हो गया एकदम से। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से उबल गई, ये देखिए बिल्कुल दब रहा है इसका छिलका। अब छिलके को हम उतार के थोड़ा ठंडा पानी में डाल देंगे, फिर छिलके को उतार के इसका पल्प निकाल के और एक बार ग्राइंड कर लेंगे मिक्सी के अंदर। तो यहाँ पे हमने बॉईल करके कैरी कर दी है, देखिए आप 4 सीटी में हो गई बिल्कुल एकदम से। इसका छिलका अभी मैं निकाल दूंगी, तो अंदर पल्प है उसको निकाल के हम थोड़ा पानी डाल के ग्राइंड कर लेंगे। और अब मैं आपको दिखा देती हूँ मैं 2 तरह का पन्ना बनाऊंगी। तो एक तो जैसे चटपटा बनाते ही हैं हम खट्टा मीठा, तो उसके लिए थोड़ा फ्रेश पुदीना लिया है। यदि आपके पास फ्रेश पुदीना ना हो तो आप सूखा पुदीना पाउडर भी ले सकते हैं, ये मार्केट में भी मिलता है, घर पे भी सूखा के बना सकते हैं। इसका वीडियो मैंने बना रखा है अपने चैनल पे, उपलब्ध है मेरे। और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने रखा है चाट मसाला, तो चाट मसाले में बहुत सारी चीज़ें मिक्स होती है तो एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। थोड़ा सा सादा नमक डालेंगे, यानी कि ऑर्डनरी नमक जो कि हम डालते हैं सभी में, सब्जी वगैरह में। थोड़े मैंने शुगर रखी है, तो खट्टा मीठा बनेगा तो कैरी ऑब्वियसली खट्टी है, तो थोड़ी शुगर डालेंगे। और यहाँ पे मैंने भुना हुआ जीरा पाउडर रखा है, थोड़ा भुना हुआ जीरा पाउडर फ्लेवर के लिए, और साथ ही साथ काला नमक। तो काला नमक थोड़ा सा डालेंगे, थोड़ा क्योंकि चाट मसाले में भी नमक है और थोड़ा ये भी नमक है, तो अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लेंगे। नमक वगैरह आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। यहाँ पे फिर हम बनाएंगे मीठा, तो मीठे के लिए हमको चाहिए थोड़ा सा केसर का फ्लेवर, थोड़ा इलायची को पीस के डालूंगी, और शुगर रखी है मैंने थोड़ी पीसी भी रख दी, और साथ ही साथ गुलाब की थोड़ी पत्तियां ऊपर से सजाने के लिए डाल देंगे। इसमें जैसे हम पुदीने की डालेंगे इसमें हम गुलाब की डाल देंगे। तो चाहिए हमारे पहले कैरी को मैं छील लूंगी, तो बस ये कैरी का जैसे ये बॉईल हो गई तो आराम से निकल जाएगा छिलका। तो ये इस तरह से उतार के साइड में बाउल में रखते जाएंगे। थोड़ा मैंने इसको ठंडे पानी से धो लिया, ऊपर डाल दिया ताकि गर्म ना रहे। और अब इसी तरह से सारे इसके मैं छिलके निकाल लूंगी, फिर इसका जो पल्प है उसको चम्मच से एक साइड पे करके गुठली निकाल के फिर इसको हम ग्राइंड करेंगे। 3 कैरी का मैंने पल्प निकाल दिया और अंदर से गुठली भी निकाल दी। अब इसको एक बार इसके अंदर मिक्सर के अंदर थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से चला लेंगे ताकि ये इसमें लम्स ना रहे और अच्छे से बिल्कुल हमारा स्मूथ बन जाए हमारा ये। और जब जैसे 3 कैरी लिए मैंने तो इसमें करीब 8 गिलास आप बना सकते हैं पन्ना, और मीडियम साइज़ की कैरी लेंगे तो 8 गिलास बन जाएगा क्योंकि बहुत खट्टा होता है वैसे ही ऑलरेडी, तो इसमें ठंडा पानी या बर्फ मिलाएंगे तो ये काफ़ी सारा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने पन्ने को कर दिया हमारी कैरी के पल्प को। अब इसको हम जार में डालेंगे, अब बारी आती है पन्ने को घोलने की। तो जिस मात्रा में आप लोग बना रहे हो उस मात्रा में ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डालूंगी करीब 2 चम्मच भर के, और ये मैंने पल्प डाल दिया कैरी का। अब हम डालेंगे इसके अंदर पानी और बिल्कुल चिल्ड करेंगे इसको, चिल्ड अच्छा लगता है। आइस क्यूब डालेंगे और इसमें मसाले वगैरह जो भी हमको मिलाने हमारे ये सब मिलाएंगे। पहले इसमें पानी डाल देते हैं थोड़ा, क्योंकि ऊपर से आइस क्यूब भी डालूंगी मैं। यहाँ पे मैं बना रही हूँ खट्टा मीठा चटपटा वाला, तो थोड़ा नॉर्मल वाला नमक डालेंगे, थोड़ा सा चाट मसाला डालूंगी मैं इसके अंदर, और एक बार चखने के बाद आप जो भी इसमें कम हो आप मिला सकते हैं, और काला नमक, थोड़ा भुना हुआ जीरा पाउडर, सूखा थोड़ा सा पुदीना पाउडर, और साथ ही साथ शुगर मिलाएंगे इसके अंदर हम। शुगर है मसाले वगैरह जब आप टेस्ट कर लें एक बार, तो जितनी क्वांटिटी आपको ज़रूरत है उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। तो इनको मिक्स कर लेते हैं एक बार अच्छे से, क्योंकि शुगर भी डाली है हमने, सब मसाले डाले अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। वैसे तो सूखा पुदीना पाउडर डाल दिया, लेकिन ये जो फ्रेश मिंट है इसका एक फ्लेवर ही अलग आता है, तो हाथ से तोड़ के थोड़ी सी ये भी डाल देंगे इसमें, जो फ्रेश हमारी पुदीने की पत्तियाँ हैं। और अब इसके अंदर मैं डालूंगी आइस क्यूब, तो बहुत ही ठंडा ठंडा कूल कूल अच्छा लगेगा ये, तो आइस क्यूब डाल देते हैं इसके अंदर।
गिलास में डाल देते हैं इसको। हमारा एक फ्लेवर खट्टा मीठा वाला कैरी का पन्ना तैयार हो गया, अब दूसरा वाला मीठा वाला भी तैयार कर लेते हैं। तो अब हमारा केसर इलायची का बना लेंगे, तो थोड़ा पर्प डाल देंगे वापस से जार में। तो हमारा केसर इलायची का मीठा पन्ना बना लेते हैं, बिल्कुल चुटकी भर नमक डालेंगे, इससे हमारा बहुत अच्छा बैलेंस हो जाएगी मीठा। थोड़ा सा नमक डाल दे किसी मीठी चीज में तो। और अब ये जो मैंने इलायची का पाउडर यहाँ पे पीस के रखा है उसको डाल देंगे, इलायची पाउडर को। और साथ ही साथ यहाँ पे मैंने रखी है केसर, केसर को भी डाल देते हैं इसके अंदर, पानी में मैंने घोल के रख दी थी। अब इसमें हम डालेंगे शुगर, जितना आप लोग मीठा पसंद करते हैं। वैसे तो कैरी ये तो थोड़ा खट्टा है, तो शुगर डाल के और इसको मिक्स कर लेंगे हम लोग। तो 4 चम्मच डाले मैंने, तो इसको हिला लेते हैं। इसमें आइस डाल देंगे हम, और आप लोग चाहें तो इसके अंदर सोडा भी डाल सकते हैं। जैसे अच्छा सा एकदम बनाना है तो पार्टी वगैरह के लिए तो थोड़ा सोडा मिला लेंगे तो और इसमें टैंगीनेस बढ़ जाएगी, बहुत ही अच्छा आ जाएगा इसका टेस्ट। तो हमारे चटपटे वाले खट्टे मीठे पन्ने में डाली थी पुदीने की पत्ती, और इसमें हम डालेंगे गुलाब की पत्ती, इससे गार्निश कर देंगे। और इसको बंद करके ग्लास में पोर कर देंगे अब। तो यहाँ पे हमारा मीठा केसर इलायची के फ्लेवर का और साथ ही चटपटा और खट्टा मीठा हमारा कैरी का पन्ना दोनों तरह के तैयार हो गए हैं। तो गर्मी में आप भी इसका मजा उठा सकते हैं घर पे बना के, और बहुत ही कूल रहता है, और इसको पीने से लू भी नहीं लगती है, और इसका पल्प बना के आप रख सकते हैं तो 2-3 दिन भी फ्रिज में खराब नहीं होगा। जब भी आपको पन्ना बनाना हो और पानी डाल के और दूसरे कोई भी फ्लेवर डाल के इसमें खट्टे मीठे, और आप घर पे पन्ना बना सकते हैं।